नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शेफ धीरज है। आज हम टॉपिक लेने वाले हैं किस प्रकार से आप अपने फूड बिजनेस, चाहे वो क्लाउड किचन हो, टेक अवे हो, रेस्टोरेंट हो, या फिर आप घर से ही खाना बना रहे हैं, तो आप किस प्रकार से जोमैटो के साथ लिंक कर सकते हैं, जोमैटो की सर्विसेज ले सकते हैं। आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है और आपको वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जोमैटो को भेजने होते हैं। उन सारे डॉक्यूमेंट्स को भेजने के लिए एक लिंक होता है जिसमें कि आपको ये सारी डिटेल्स डालनी होती है और आपके जो जो कि डॉक्यूमेंट्स की सारी इन्फॉर्मेशन जोमेटो के पास पहुंच जाती है, वो लिंक होता है। उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको वो लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। पर आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। अब उस लिंक के अंदर होता क्या है, जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक फसाई लाइसेंस चाहिए होता है। फसाई लाइसेंस अगर आपने सिर्फ अप्लाई किया है, क्योंकि जब आप अप्लाई करते हैं आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है, तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर के बिहाफ पे आप जोमेटो के साथ टाइप कर सकते हैं। दूसरा, आपको यहाँ पे जीएसटी नंबर चाहिए होता है। अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है फिर भी आप टाइप करना चाहते हैं तो आप टाइप कर सकते हैं। तीसरा, आपको अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर, आपकी कंपनी चाहे प्राइवेट लिमिटेड हो या फिर आप लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में काम कर रहे हो या सोल प्रोपराइटर भी हो, तब भी आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन उनको देनी होती है। इसके बाद आपके पास मेन्यू होना चाहिए, जो कि अच्छा सा मेन्यू होना चाहिए आपके पास, जिसमें कि प्राइजेस लिखे हों। उसके बाद आपको अपनी अकाउंट की डिटेल देनी होती है। इसके लिए आप अपनी जो चेक बुक को एक क्रॉस चेक के साथ दे सकते हैं। इसके बाद आपको एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर आपको देना पड़ता है, जिस पे कि आपके ऑर्डर्स आएंगे या जो भी जोमेटो की तरफ से आपको कॉन्टैक्ट करेगा उस नंबर पर आपको कॉल कर सकता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको उस लिंक के थ्रू, जोमेटो लिंक के थ्रू उनको भेजनी होती है। जब आपकी एप्लीकेशन वहाँ पर रिसीव हो जाती है, वो लोग उसे पढ़ लेते हैं, तो वो आपको कुछ फॉर्म्स भेज देते हैं। आपको वो सारे फॉर्म्स दोबारा से साइन करने होते हैं, भरने होते हैं, और उन फॉर्म्स के अंदर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि आपका कमीशन कितना होगा, आपके यहाँ का एड्रेस, आपका जीएसटी नंबर और सारी की सारी टर्म एंड कंडीशन। अगर ऑर्डर कैंसिल होता है, आपकी तरफ से गलती होती है, उनकी तरफ से गलती होती है, तो सब कुछ उसके अंदर मेंशन होता है, जिसको कि आप लोग साइन करके, स्टैंप लगा के अच्छे से वापस स्कैन करके भेज देते हैं और आपका और जोमेटो के साथ कॉन्टैक्ट हो जाता है। उसके बाद आपको एक वो आइडेंटिटी देते हैं, जो कि आपकी रेस्टोरेंट की आइडेंटिटी होती है। इसके बाद आपको दो ऐप यहाँ पे आपको डाउनलोड करने के लिए बोला जाता है। एक ऐप होता है हमारा जोमेटो जोमेटो पार्टनर का, जिसमें कि आप लोग अपने रेस्टोरेंट पे यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आप ऑर्डर रिसीव कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। दूसरा ऐप होता है हमारा जोमेटो फॉर बिजनेस, जो कि हमारे क्लाउड किचन के ऑनर्स के लिए होता है। यहाँ पे आप अपने मैनेजर को फिक्स करते हैं, आप किसी को मैनेजर बना सकते हैं, उनको अथॉरिटीज़ दे सकते हैं, आप यहाँ पे अपने अपने रिव्यूज़ के जो आंसर कर सकते हैं, अपनी पिक्चर्स चेंज कर सकते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो आपको जिसको भी आपको टाइप्स करने हैं जोमेटो के साथ और आपको लिंक नहीं मिल रहा है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, मैं आपको वो लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। इसके अलावा अगर आपके फिर भी कुछ क्वेश्चन है, कमेंट्स है, आप मुझे नीचे लिख सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।